यूपी में मदरसा सर्वे पर घमासान जारी है। मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है और इसके बीच जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट कर मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मदरसे क्यों, दूसरे तालीमी इदारे क्यों नहीं। उन्होंने कल से लेकर आज तक 3 ट्वीट कर सिर्फ मदरसा सर्वे होने पर सवाल उठाए। अभी तक उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर सर्वे की बात सामने आ चुकी है, जिनमें आजमगढ़, हमीरपुर, अलीगढ़, बिजनौर, बुलंदशहर, बाराबंकी और आगरा शामिल है। मदरसा सर्वे के पहले दिन यानी कल ही हमीरपुर के सर्वे में एक मदरसा गैर मंजूर शुदा पाया गया। मौलाना सिद्दीकी अहमद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से चल रहे मदरसे में 90 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो में हम जो सर्वे करा रहे हैं या देख रहे हैं, जो मदरसे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, और ये भी देखेंगे कि किस जमीन पे बने हैं, उसकी नौवियत क्या है, यही सब चीजें देखी जा रही। अलीगढ़ में भी 2 मदरसों की गैर मंजूर शुदा मदरसों की जानकारी सामने आई, जिसमें करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। बिजनौर के 3 मदरसों में भी कई तरह की खामियां और गड़बड़ियां पाई गई, जिन्हें दर्ज किया गया। इसके अलावा आगरा, बुलंदशहर और आजमगढ़ में भी सर्वे चल रहा है। आजमगढ़ में मदरसों के सर्वे का इस्तकबाल किया गया। नहीं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन में कोई इशू नहीं है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल, हमेशा हमारी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है और देनी भी चाहिए सबको, ये अच्छी बात है और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो मदरसे हैं, सारी चीज़ें हैं वो सरकार की नॉलेज में है और होनी भी चाहिए। नहीं है कि कौन लोग हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इससे पहले भी दी गई और अब भी दी जा रही है, मांगी जा रही है। बाराबंकी के मदरसे में कंप्यूटर की पढ़ाई की जानकारी मिली। यहाँ जिस मदरसे में सर्वे किया गया वो मुस्लिम समाज और चंदे पर चलता है। तो सिर्फ कौम के और आपके चंदे पे चलाते हैं, गवर्नमेंट के भी हम नहीं लेते हैं और बाहर से भी हम कोई पैसा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के वालों का दिल इतना बड़ा है जो हमको चलाने के लिए काफी। अच्छा, हमने कंप्यूटर से जोड़ दिया रखा है, 7 कंप्यूटर है हमारे पास। यूपी सरकार ने 31 अगस्त को रियासत में चल रहे सभी गैर मंजूर शुदा प्राइवेट मदरसों को सर्वे करने का हुक्म दिया था, जिसके लिए 10 सितंबर तक टीम तश्कील करने का काम खत्म कर लिया गया है और सर्वे अभी जारी है। 5 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करके 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।